आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है और यहाँ पर उनके एंगल्स लिखे हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90 जो कि यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ पर ये रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब यहाँ पहले हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे 0 से लेके 4 तक का लेना होता है, 2, 3, 4 यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ली गई हैं। इसके बाद हम इनको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सबको डिवाइडेड बाय 4 करना है। इसके बाद इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे। अंडर रूट करने के बाद जो आंसर्स आते हैं वो हमारे साइन थीटा की वैल्यूज़ होंगी, साइन थीटा साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ होंगी। अब देखेंगे 0/4 कितना होता है, 0 होता है। अब 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, ये 0 आएगा। इसी तरह से 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो गया 1/2। इसके बाद इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं, यहाँ पर इसके सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये होगा 1/2। अब यहाँ जो अंदर वैल्यू बची 1/2, 1 तो स्क्वायर रूट, 1 का तो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, 2 नहीं आएगा रूट से बाहर, इसलिए 1 तो 1 ही रहेगा और ये होगा √2। इसी तरह से 3/4, 3 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, वो रूट के अंदर ही रहेगा, 4 को हम रूट से बाहर ले सकते हैं, तो ये होगा √3/2। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 × 1 = 4। अब 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं ये हमारी साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं, साइन 0 यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हो गए हमारी साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस ये सारी वैल्यूज़ अगर हमको पता चल गई तो हम पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है, इसका अगर हम रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा। जैसे यहाँ से रिवर्स करते हैं, ये 1, फिर √3/2 इधर आ जाएगा। अब ये तो मिडिल वैल्यू थी, सेम रहेगी, इधर होगा 1/2 और यहाँ पे होगा 0। इसके बाद टेन थीटा आता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 0/1 अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं 0/1, इसका आंसर आएगा 0। अगर हमने इन दोनों को डिवाइड किया, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाती हूँ, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1/√3। अगर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा 1/√3, तो ये हो गई हमारी 10/30 की वैल्यू 1/√3। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए 1 आएगा, अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 आएगा। अब 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो हम उसका आंसर नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें लिखना होगा नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड नंबर है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। अभी 3 अगर रेशियोज हमारे पास हैं तो बाकी के हम इसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 1/sin θ होता है कोसेक थीटा। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारी कोसेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब 0/1 होगा 0/1 है और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आएगा 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है इसलिए
ये नॉट डिफाइंड आएगा। उसके बाद अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो 2 आया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट 2 आएगा। रूट 3 अपॉन वाई 2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 अपॉन रूट 3। और यहाँ पे हमारा क्या वैल्यूज थी, 1 बाई 0 था। 1 बाई 0 को हम लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। उसके बाद आता है साइन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा हुआ यहाँ 1। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इसका होगा रूट 2 बाई रूट 3, इसका हुआ रूट 2, इसका रेसिप्रोकल, और इसका 2 अपॉन 1 का 2। और ये क्योंकि 0 था, अब 0 अपॉन 1 था ये, अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 बाई 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हुआ। कॉट थीटा हुआ टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा कितना था, टेन 0 था, 0 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो 1 बाई 0 होगा, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड आएगा। अब 10 अगर 30 को लें तो 1 बाई रूट 3, इसका रेसिप्रोकल किया तो सिर्फ हमारा रूट 3 आएगा। यहाँ पे तो हमारा 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। उसके बाद था रूट 3, रूट 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई रूट 3। और यहाँ पर हमारी वैल्यू थी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब था यहाँ पर हमारे पास था 1 बाई 0, उसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो आएगा 0.1, और 0.1 हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई टेबल कंप्लीट। इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बच्चों को याद नहीं रहती वैल्यूज़, तो वहाँ पर टेबल ईजिली बन जाती है, तो वैल्यूज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको ईजिली बनाया जा सकता है।